ओके, अभी सीन ये है कि हम लोगों को आधे घंटे से एक घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते जगह, हमें कैंप के लिए जगह नहीं मिल रही है, और एक जगह मिली थी तो वो फॉरेस्ट वालों ने वहाँ मना कर दिया टेंट लगाने के लिए। तो अभी अब एक जना उधर गया है, एक जना उधर गया, सब लोग हम चारों की गाड़ियाँ इधर उधर ढूंढ रही हैं, सब जने ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम कैंप साइट ढूंढ रहे हैं, कोई परमिशन, गांव वाले अगर परमिशन दे देंगे तो ही जगह मिलेगी रुकने के लिए। एक जगह मिली थी देखने के लिए, तो अभी वहाँ कुछ नहीं था। अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 9 बजने वाले हैं, सीन हो गया ज़्यादा ख़राब। अब बस अब बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगी अगर टेंट नहीं मिला यहाँ पे तो, क्योंकि होम स्टे वगैरह भी नहीं है अभी कहीं भी। कोई नहीं, चलो लेट्स सी कि कुछ मिलता है तो ढूंढते हैं जगह, करते हैं अरेंजमेंट जगह का। बस ये शरद भाई यहाँ पे रुका है, कुछ सेटिंग वेटिंग बिठा रहा है, हैं तो आग तो कोई नहीं प्रहार कर ही लेंगे, लेकिन हम टेंट कहाँ लगा सकते हैं। कोई अपनी जगह दे देना, कम से कम 3-4 किलोमीटर ऊपर नीचे कर चुके हैं, गांव वालों से भी पूछ लिया है, कोई कह रहा है कि जंगल में आग लगी हुई है यहाँ नहीं लगा सकते, फॉरेस्ट वाले परमिशन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि पूरे जंगलों में आग लगी हुई है इस समय। अब क्या है, अब सीन बहुत खराब हो रहा है। अब हमारे पास रुकने के लिए ना तो होम स्टे है, ना हमारे पास टेंट लगाने की जगह है, और टाइम हो गया है पूरे 9 बजने वाले हैं, 5-7 मिनट है। तो अभी देखते हैं अब क्या करना है। कार्तिक गया हुआ है आगे और ये खड़े हैं लौंडे अपने, अभी हम लोग इधर ही वेट करते हैं, कार्तिक को आने देते हैं, हैं? अभी वेट करते हैं यहाँ पे, कार्तिक को आने देते हैं, वेट करते हैं। बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद हमें फाइनली जगह मिल गई टेंट लगाने के लिए। एक गांव के बहुत अच्छे भैया मिले, उन्होंने अपनी खेत दिया है हमें लगाने के लिए कि अपने हमारे खेत में लगा लो। तो देखिए प्रोसेस जारी है, एक टेंट तो लग चुका है, ये शरद भैया टेंट लगा रहे हैं, दूसरा टेंट की प्रोसेस जारी है, लगा रहे हैं। तो क्या है, अब ये टेंट मेरे को ही हेल्प करनी है लगाने में, तो चलिए बनाते हैं इसका वीडियो। तो अभी हम लोग देखिए, हमने स्टोव जला रखा है, कुकर में रखा है पानी गर्म होने के लिए, और हम लोग बना रहे हैं कप्पा नूडल्स। ओए कप्पा नूडल्स दिखा दो जरा, नूडल्स बना रहे हैं ये सब, और मेरा तो बन चुका है ये, मैं तो खा रहा हूँ तो बस। और ये देखिए टेंट लगा है, शरद भाई ये भी अपने नूडल्स खा रहे हैं, हमारा पानी कम पड़ गया तो हम दोबारा पानी गर्म कर रहे हैं। और ये लगा है दूसरा टेंट, और ये लगा है तीसरा टेंट, सब रेडी है, और मैंने तो कपड़े चेंज कर लिए हैं, और मैं तो थोड़ा नॉर्मल से ड्रेस में आ गया। चलो फिर अभी इसके बाद अभी हम लोग खाना बनाने वाले हैं, चूल्हा बनाते हैं तब आगे बात करता हूँ। तो ये चल रही है हमारी डिनर की तैयारी, आफ्टर कप्पा नूडल्स हम लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं कार्तिक हम आज डिनर में? पनीर बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, और मटर पनीर, मटर पनीर, और ये देखिए ऑमलेट बनाऊंगा। ये देखिए अद्विक, ये मैड एंगल्स खाते हुए, ये बड़ा बदमाश हो रहा है। और ये सेटअप है हमारा, ये रहा हमारा बुटेन गैस का एक सिलेंडर और दूसरा सिलेंडर, ये रहा टमाटर प्याज कट रहे हैं, शरद भैया बैठे हैं, शरद भैया की थोड़ी तबीयत ढीली हो रही है, वो अपना कुछ सैलेड वैलेड लेके बैठे हैं, वो खा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सिर्फ सैलेड ही खाऊंगा डिनर में और कुछ नहीं खाऊंगा। चलो एक बार मेरा बताइए मनुआ, हाँ। कि भैंगे तरबूज ले लूंगा से तरबूज, अरे यार ये खीरे बोल रहा था, खीरे बोल रहा था ना, रेडी टू ईट हो जाते हैं, खीरे नहीं लिए। अरे मेरा मन वही था, खीरे और एक तरबूज उठाने का, फिर ना फिर मैंने सोचा पकड़ेगा कौन, सबसे अच्छी चीज खीरे की ठंडक देता पेट को। फिर मैंने बोला भी उसे तिवारी तरह मेरे साथ, तिवारी वो ले लूं, तो बना ली चम्मच भाई बढ़िया, वो देखिए देसी चम्मच, वाओ देसी चम्मच नहीं है वो, हथियार से बनी हुई चम्मच है वो। बाकी के बचे हुए चार लौंडे जो हैं वो गए हैं पीछे गांव में लकड़ियां लेने के लिए, तो बस आते ही होंगे लकड़ी लेके। अब हम लोग यहाँ पे बॉनफायर करेंगे रात के लिए, और फिर ताकि चैन से सो सकें। थोड़ा जानवर का इशू रहता है और कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल है, अभी अंधेरे में तो क्या है, देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, और ऊपर आसमान में तारे दिख रहे हैं, आप पता नहीं फोन में तो आ नहीं रहे, लेकिन ऊपर आसमान बहुत साफ है, बहुत टाइम के बाद इतने तारे देखने को मिले हैं भाई। लास्ट जो मैंने इतने अच्छे तारे देखे थे वो मैंने लद्दाख में देखे थे, हानले में और पैंगोंग लेक में, उसके बाद मैं अब देख रहा हूँ। वाह ये पूरा चारों तरफ भीहड़ जंगल है, और ये इधर गाँव है, वो सामने लाइट दिख रही है, वो गाँव है देखिए, वाह ठीक है। Thank you.
तो देखा आपने लकड़ी तोड़ दी गई है, लकड़ियाँ ये रही अभी तो 1 किलो लिया था पनीर और बाकी लकड़ियाँ ये हैं और एक फट्टा ये है। हम ये सब जलाने वाले हैं रात को, रात भर यहाँ पर आग का अरेंजमेंट कर रहे हैं, आग जलती रहेगी तो आ गए सब लोग, सब लोग गैदर हो गए। पानी लेने कोई गया है क्या? ओके चलो, पेड़ से लकड़ी के टुकड़े ये कट रहा है पनीर। वाह यम दिख रहा है, जरा कुकर खोल के दिखाएंगे सर। कुकर में बॉईल हो रही है मटर और ये देखो कार्तिक जी पनीर काट रहे हैं और विष्णु ने यहाँ पे कुछ पत्थर इकट्ठे कर दिए हैं, आग जलाने का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं थोड़ी देर में, बस आग जलाते हैं। हाँ पूरा पूरा सारा उसी में जला देंगे हम लोग, है ना, पेपर है ना सारा जलाने वाला, तो बस रिक्वेस्ट ये है कि भैया जहाँ भी कैंपिंग वैम्पिंग करो जो भी करो सब कुछ करो, लेकिन गंदगी ना फैलाओ, अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाओ, छोड़ो कुछ मत। मतलब ये है कि अब उन्होंने गांव वालों ने हमें रहने के लिए जगह दी है कि तुम लोग रुक जाओ, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको गंदा ना करके जाए, साफ सुथरा छोड़ के जाए। देखिए यहाँ पूरा ये कैंप के अंदर देखिए लाइट वाइट, भैया कैसे बैठे हैं बिल्कुल चिल मार रहे हैं। कमर ठीक है आपकी? अबे कहाँ यार, उनकी कमर बोल गई है, तभी तो कहते हैं टाइम पे भयंकर सब कुछ ठीक रहता है। एक समय बाद खराब हो जाता है। ये पनीर में हमने थोड़ा सा डाल दिया है कुछ मसाला, चाट मसाला। नकुल आज का हमारा कुक है। नकुल एक बार इधर देखें, टॉर्च दिखाएं इन्होंने माथे पे, पता नहीं क्या टॉर्च, नकुल खाली चला रहा है, टॉर्च लगा रखी है इन्होंने, बस ये नकुल सबको चला रहा है आज ना, खाली मसाला चला रहा है। देखो कितना तामझाम हमने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, अभी सारा कूड़ा इकट्ठा कर, वाह सारा कूड़ा इकट्ठा करेंगे। नहीं नहीं वो कहाँ गया हेमचंद, ले जाएंगे मेरे कल। तो फाइनली आग जल चुकी है और डिनर रेडी है, वो रखा है हमारा कुकर, तो बस अब डिनर की तैयारी है फटाफट से, अब सब लोग खाना खा रहे हैं और खाना खा के फिर थोड़ी देर गपशप लगाएंगे और फिर देखेंगे, जिसको जैसे जैसे सोना होगा वो सोता रहेगा। चलो भाई विष्णु खाना लेना शुरू कर दो, ये हेमचंद आ गया बाहर, उड़ गया, सो गया था, उड़ गया के नाम पे, वाओ किसके नाम पे, पनीर के नाम पे। ये तो सही बोला, क्या पनीर, मैं आ रहा हूँ खाए पनीर। ये आ गई है पनीर की सब्जी, थोड़ी सी बस, मैं तो थोड़ा ही खाऊंगा। वो देखो मेरे लिए वो चपाती गर्म कर रहा है। ओ भाई सब ले लो खाना फटाफट से, 12 बज गए हैं। तो बढ़िया बात कर रहा हूँ भैया, आओ तुम्हें चाहिए होगा, आओ बैठो बैठो। वो देखो रोटी कैसे गर्म कर रहा है, क्यों विष्णु कैसा बनाया भाई पनीर, बढ़िया है, बढ़िया किया, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। ओके कैसा बना है हेमचंद, बहुत बढ़िया। हाँ भाई आप क्या कहना चाहेंगे पनीर के बारे में, हैं बढ़िया बढ़िया। ओके ये हमारी आग सबने देखो चट कर दिया है, प्लेटे प्लेटे क्या करें, जलानी है कि फेंकनी है, जला दो, ठीक है ठीक है। ये हमारे पास पानी का नलका भी अवेलेबल है भाई, ये दिख ही नहीं रहा है, अंधेरा हो रहा है। ले भैया ये दो, तो एक ये गया सोने, तू भी जा रहा है सोने, चल घुस। वो देखो वो तिवारी भी गया सोने अंदर, नहीं नहीं गया बैठ। अच्छा ये गया, ये लगाया मैं, देखो ये कर रहे हैं अपनी बंदियों से कॉल और ये कर रहा है अपनी बंदी से चैट नकुल, और ये विष्णु तो कर रहा है सफाई सफुई। चलो ये रहे मेरे शूज, ये सबके शूज, कुछ बुरे हाल है यार, यहाँ पे धूल 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 से ब्लैक थे, पता नहीं कैसे हो गए ब्राउन हो गए ब्लैक से। तो गाइस खाना खा लिया है और बर्तन जो भी मतलब करना था यहाँ पे सफाई वफाई सब कर दिया ऑलमोस्ट, बाकी का काम अब सुबह करेंगे। तो अभी अपन लोग सोने के लिए आ गए हैं, अब मेरे को तो आ रही है बहुत तेज़ नींद, तो मैं सो रहा हूँ और मेरे साथ सो रहा है अद्विक और ये आ गया है विष्णु, हम लोग तीन जने सो रहे हैं इस टेंट में, समाओ हम लोग मैनेज करेंगे तीनों। टेंट तो ये वैसे 2% वाला है बट स्टिल तो कोई नहीं, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए फिर आज के व्लॉग की यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलेंगे आपसे फिर इसके आगे के पार्ट के साथ। अब कल हम लोग जाएंगे सुबह उठ के जल्दी उठेंगे और हमें जाना है हनौल महासुदेव जी के मंदिर, वहाँ जाके तो दर्शन करेंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर
और थैंक्स फॉर वॉचिंग वॉन्डरिंग लूपस वंस अगेन। बाय बाय।